असलकम वरकू मैं हूँ समद और मैं आज आपको फ़ाल और गेट फ्रेजल वर्ब्स के मतलब बताऊँगा फ़ाल फ़ाल के मीनिंग होता है गिरना और मौसम ख़जान को भी फ़ाल कहा जाता है फ़ाल फाल अवे फाल अवे कमज़ोर पड़ जाना द कैटल हैव फालन अवे इन फ्लैश फ्लैश के मीनिंग होता है शिकार होना फाल बैक पसपा होना या पीछे हटना एट लास्ट राइटर फेल बैक ये रियाटर से नहीं पढ़िएगा ये राइटर है इसके मीनिंग होता है गुल और जो डाका डालने वाले होते हैं उनको भी कहा जाता है फॉल फार ख्वाहिश करना ही आलवेज फॉल्स फार आटीफेस फॉल्स फार ख्वाहिश करना फॉल थ्रू नाकाम हो जाना द स्कीम हैज फॉलन थ्रू फार वांट ऑफ स्पोर्ट नेक्स्ट है हमारे पास फॉल टू शुरू कर देना ही फेल टू वर्किंग विथ दो आर्टिकल्स आर्टिकल्स मजामी को कहा जाता है नेक्स्ट हमारे पास गेट गेट के मीनिंग होता है हासिल करना खरीदना समझना पहुंचना और पाना के होते हैं गेट एट पा लेना हिज ऑब्जेक्ट इन दिस इंक्वायरी वॉज टू गेट एट द ट्रूथ नेक्स्ट हमारे पास गेट थ्रू पास कर लेना ही हैज़ गॉड थ्रू द एग्जामिनेशन गेट अप बेदार हो जाना ही गेट्स अपट एट ओ क्लाक गेट डाउन गेट डाउन तहरीर कर लेना या लिख लेना गेट डाउन दीज नोट्स क्विकली गेट इन Getting meaning Dahal Hona. As soon as they saw me, they got in the car and started to drive off. Get off. Get off. His friends expected that he would get off with a fine. Get on. Tracky Karna. She is getting on nicely with. हर इंग्लिश गेट आउट दौड़ डालना या गेट आउट की मीनिंग भी होता है निकल हो जाना या दफा हो जाना आई कांट गेट दिस स्टैन आउट गेट आउट ऑफ द रोम यानी कि रोम से निकल जाओ या दफा हो जाओ गेट ओवर काबू पा लेना ही गॉट ओवर ऑल हीज डिफिकल्टीज